हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 18 जनवरी दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना पौष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मोहन कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी है मोहर। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट में इन फैसलों पर लगाई है मोहर। फैसलों के तहत कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 194 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र प्रारंभ होंगे। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे और टोलों को जोड़ने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के 100 तक की जनसंख्या वाले गाँवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगले 3 साल में 1,20,000 आदिवासियों को सरकार आवास उपलब्ध कराएगी। इसका लाभ प्रदेश के 23 जिलों के आदिवासियों को मिलेगा। इस प्रकार से मोहन कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं जो आम जनता के हित में हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आम लोगों के सुझाव के आधार पर बनाएगी घोषणा पत्र। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति के चेयरमैन पी चिदंबरम होंगे। समिति ने देश भर में आम लोगों, अलग अलग वर्गों, समूहों और संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। इन सुझावों के लिए पार्टी द्वारा वेबसाइट तथा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। वहीं कांग्रेस इन्हें आवाज़ भारत की नाम के साथ एक पहल के रूप में प्रस्तुत करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश के आम नागरिक के लिए घोषणा पत्र बनाना है और इसमें उनकी भागीदारी भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जन भागीदारी से बनेगा। दोस्तों, EPFO ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत जन्मतिथि के प्रूफ के लिए आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संघ ने अपने सर्कुलर में कहा है कि अब से जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 16 जनवरी मंगलवार को जारी सर्कुलर में EPFO ने आधार कार्ड को अब अमान्य कर दिया है। EPFO ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी अपने खाते में जन्मतिथि से संबंधित कोई अपडेट कराना चाहता है तो उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके लिए स्कूल की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे सकेंगे। वहीं इन पर जन्मतिथि होना आवश्यक होगा, तभी आप अपने EPFO में अपडेट करवा सकते हैं। दोस्तों, पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव को लिखा है पत्र। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में आयोजित की गई परीक्षाओं में जिनके रिजल्ट घोषित होने के बाद उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के कारण नियुक्तियां नहीं की गई है, उन मामलों में हुए भ्रष्टाचार की शीघ्र जाँच पूरी करके पात्र युवाओं को नियुक्तियाँ दी जाए। इसी के साथ उन्होंने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। इस प्रकार से पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से पत्र लिखकर कहा है। दोस्तों, मोहन सरकार के मंत्री जी का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा, अगर गड़बड़ी पाई गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मोहन सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह विधायक अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। मंत्री जी का कहना है कि वे न तो खाएंगे और न ही किसी को खाने देंगे। उन्होंने पटवारियों से कहा है कि पटवारी अब गांव-गांव जाएंगे और किसानों की समस्याओं का निश्चित समय में समाधान भी करेंगे, अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो पटवारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक फैल गया है। एक ही दिन में 40 लोगों को काटा है आवारा कुत्तों ने। हालात इस कदर के हो गए हैं कि मंगलवार को शहर में 40 लोग डॉग बाइट के शिकार बन गए। वहीं भोपाल की मेयर ने कुत्तों का आतंक बढ़ने पर मंगलवार को बैठक भी की है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार शाम तक भोपाल के अलग अलग इलाकों में 40 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग रेबीज का टीका लगाने के लिए अस्पताल में पहुंचे। इस घटना के बाद नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम चला रहा है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रदेश के हर गांव में, हर जिले में आवारा कुत्ते हैं, इसलिए इनसे थोड़ा बचें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन
पारदर्शी वित्तीय प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य शासन पारदर्शी वित्तीय प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भुगतान संबंधी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध FIR भी होगी। इस प्रकार चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री, अपने अपने कार्यों के लिए बहुत ही सजग हैं। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में अयोध्या प्रिंटेड साड़ी की बढ़ गई अब डिमांड। वहीं इन साड़ियों में दिखी है भव्य राम मंदिर की झलक, जिससे बाजार में पहुंच गई अब महिलाएं, अर्थात महिलाओं को ये साड़ियां खूब पसंद आ रही हैं। देश भर में इस समय अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम है। इसके लिए बाजारों में विशेष रूप से अयोध्या के भव्य राम मंदिर का चित्रण करती हुई साड़ियों की बिक्री भी बढ़ गई है। वहीं इसको लेकर प्रभु के भक्तों में इस साड़ी की भी डिमांड बढ़ गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी योजना का हाल बेहाल है। शिक्षा सत्र समाप्त होने को आया है, लेकिन अभी तक बच्चों को नहीं मिली है साइकिल। मध्य प्रदेश सरकार ने 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल योजना लागू की थी, लेकिन शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है। परंतु उज्जैन जिले के कई शासकीय स्कूलों में अभी तक विद्यार्थियों को साइकिल नहीं मिली है। आपको बता दें कि यह योजना अक्सर लापरवाही का शिकार बनती है। ऐसा मौजूदा शिक्षा सत्र में भी हुआ है। सत्र 2023-24 समाप्त होने के कगार पर आ गया है और हालात ये हैं कि उज्जैन जिले के लगभग 1725 स्कूलों के बच्चों को अभी तक सरकार से साइकिल नहीं मिल सकी है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार इस मसले को, अर्थात बच्चों को साइकिल कब देती है, यह अब समय ही बताएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तोमर जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को 2047 तक ऐसा देश बनाना है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सके। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चाहे वह राम मंदिर हो या फिर धारा 370 हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में देश और तरक्कियों को छूने वाला है। उन्होंने कहा कि 2047 में आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी। भाजपा का लक्ष्य है कि हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ एक विकसित देश के रूप में मनाएंगे। हमारे देश का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री लगातार देश को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने में जुटे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने मुरैना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।